बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप नॉर्मल वर्कशीट के अंदर तो हमने पढ़ा है और उसका यूज भी देखा है काफी दफा। सर्च वगैरह के लिए हम यूज करते हैं डाटा को लुकअप करने के लिए कॉलम वाइज। लेकिन अगर वीबीए से अगर हम इसे यूज करना है तो वो किस तरह से करेंगे, और विथ इनपुट बॉक्स और मैसेज प्रिंट करना है वी लुकअप फॉर्मूला कमांड के साथ वीबीए के थ्रू, तो वो कैसे कर सकते हैं। कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं पर जरूर आपके काम आएगी, तो ये टॉपिक मैंने इसलिए अपलोड किया है जो वीबीए से रिलेटेड है। उनको अगर वी लुकअप में कहीं सर्च लुकअप आईडी करनी है, शीट टू शीट या अनदर शीट कॉपी करके किसी लुकअप आईडी पर डेटा को पेस्ट करना है, वहां पर ये काफी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास एक डेटा है यहाँ पर, और यहाँ पे डेटा के साथ हमारे पास नेम और उनका कुछ सेल्स अमाउंट है, सैलरीज वगैरह है, जो भी है वो हमने लिखी हुई है यहाँ पर। अब हम एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, ड्रॉप डाउन से फिर हम उनको जो सिलेक्ट करेंगे तो वी लुकअप से हम यहाँ पे उनका आंसर चेक करेंगे कैसे आ रहा है। तो डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा मेन्यू में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन जिस सेल में लिस्ट बनानी है क्लिक, डेटा में जाके यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन में सोर्स, सोर्स के अंदर यहाँ पे ऑल जो नेम आ रहा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे इसमें डुप्लीकेट ऐड हुई है, डुप्लीकेट डेटा में रिमूव के लिए यहाँ से रिमूव के लिए नेम पे जाके चेक लगाएंगे, ओके करेंगे रिमूव डुप्लीकेट। और अब मैं डेटा में जाकर यहाँ से लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, बॉर्डर अप्लाई कर लिया मैंने। अब जो भी नाम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका रिकॉर्ड सैलरी का यहाँ पे चाहिए, तो वीबीए कोड के लिए राइट क्लिक शीट पे करेंगे, व्यू कोड ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना कोड। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रेंज, रेंज के बाद यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में रेंज हमारी क्या बन रही है, ई 4 1 2 3 4, यानी ई कॉलम और रो नंबर 4। तो यहाँ पर हम कॉलम डिफाइन करेंगे E4। ये सिंपल तरीका बता रहा हूं, फिर इसी को हम आगे एडवांस तक लेके जाएंगे। E4 बराबर है वर्कशीट, वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप ब्रैकेट ओपन अगेन रेंज, रेंज के बाद अगेन ब्रैकेट ओपन और इस दफा फिर हम सेल सिलेक्ट करेंगे लुकअप्स। तो रेंज के बाद जो हमारे पास सेंटेंस आता है वी लुकअप का लुकअप वैल्यू, उसमें ये सेल लुकअप वैल्यू होगा D4। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करूंगा D4 और फिर इन्वर्टेड कॉमा और इसका ब्रैकेट क्लोज करके आगे चलेंगे। आगे में हमारे पास आता है टेबल एरे, तो फिर टेबल एरे में भी हम यहाँ पर कॉमा लगा के रेंज देंगे इसको, और रेंज के अंदर हम अगेन ब्रैकेट ओपन, रेंज हमारी कहाँ पर है जहाँ से डेटा लुकअप करना है, ए और बी कॉलम में। तो यहाँ पर हम देंगे इसको ए और कॉलन के साथ हम कर देंगे यहाँ पर बी, फिर इन्वर्टेड कॉमा, यानी ये रेंज लुकअप हो गई, इंटायर इन कॉलमों में चेक करना है, फिर कॉमा लगाएंगे तो ये आर्गुमेंट 3 होता है कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पर सेल लुकअप करनी है और सेल अमाउंट हमारे पास जो ए बी कॉलम है A1 और सेल्स 2, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉलम 2 और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉमा के बाद फॉल्स और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। अब इसको रन करके देखना है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ रेंज मैंने D2 दे दी है, D1 2 3 4, लुकअप वैल्यू भी जो होगी वो D4 है, तो D4 के बाद रेंज आ गई कॉलम एंटायर 2 और फॉल्स। रन करके चेक कर लेते हैं। अब देखें इमरान की सैलरी यहाँ पर आ गई 4500। अब मैं यहाँ से कोई और रन करना चाह रहा हूँ तो ये इसकी सैलरी वी लुकअप ऑटोमेटिक अपडेट करेगा। इसको हम शेप से यहाँ पर रन कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे असाइन मैक्रो और सब्जेक्ट के साथ इसको ओके करेंगे यहाँ पे क्लिक। अब जो भी हमारी सैलरी होगी ऑटोमेटिक, अच्छा सैलरी सभी की तकरीबन चेंज है, तो मैं यहाँ से कुछ अलग अलग वैल्यू टाइप कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये नौमी की आ गई। अब इस तरह से ये तो हमने काम कर लिया, लेकिन अब थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल में समझते हैं। एक न्यू कंडीशन के अंदर अब हम यहाँ इनपुट बॉक्स और मैसेज प्रिंट करने के साथ लुकअप करेंगे डेटा को वीबीए से, राइट क्लिक व्यू कोड इंसर्ट मॉड्यूल और इंसर्ट मॉड्यूल में सब्जेक्ट दे देते हैं लुकअप
और यहाँ पर डिम सैलरी एज लॉन्ग और डिम एम्प्लॉय नेम एज स्ट्रिंग। शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम एज स्ट्रिंग, ठीक है जी। अब इसके साथ हम एम्प्लॉय नेम बराबर है इनपुट बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा प्लीज एंटर एम्प्लॉय नेम। ठीक फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, उसके साथ इफ लैन यानी मैक्सिमम लैन के लिए हम ये कंडीशन दे रहे हैं एम्प्लॉय नेम ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन होता है जीरो देन सेट माई रेंज बराबर है रेंज जो हमारी रेफरेंस रेंज होगी, ए कॉलम जहां पे लुकअप करना है वो हम इधर ऐड करेंगे, ए और बी कॉलम है तो हम ए कॉलम बी और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर सैलरी बराबर है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। यहां पर हम फॉर्मूले में सेंटेंस देंगे एम्प्लॉय नेम, उसके बाद सेकेंड आ जाएगा एम्प्लॉय माई रेंज, रेंज यानी जहां से लुकअप करना है, ठीक है जी। फिर कॉमा कॉलम आ जाएगा टू और फिर कॉमा फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज एंटर, उसके साथ मैसेज बॉक्स प्रिंट हो एम्प्लॉई नेम और इन्वर्टेड एंड फंक्शन कॉन्केटिनेट करेंगे इसको और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट एस सैलरी इस फिर एंड इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन जो सैलरी अमाउंट होगा, ठीक है जी। यहां पर ये सैलरी लिखकर इंटर करेंगे और इल्स उसमें फिर मैसेज बॉक्स प्रिंट होगा अगर हम बगैर टाइप किए हुए इंटर करते हैं तो यहां पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा यू डिड नॉट एंटर एनी नेम, इसके एलिमिनेशन साइन और फिर यहां इन्वर्टेड कॉमा और इंटर कर देंगे। यहां पर आ जाएगा एंड इफ और यहां पर एग्जिट सब, और लास्ट में एंड सब। अब यहाँ पर हमारी स्पेलिंग सही होगी तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एम्प्लॉय नेम जो है यहाँ पर इसको हम एट द रेट वाला रखेंगे, ठीक है जी। एम्प्लॉय नेम ये भी यहाँ पे सही है, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। मैसेज बॉक्स हमारा प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, इनपुट बॉक्स सॉरी, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं और यहाँ पर प्लीज इंटर एम्प्लॉय नेम। अब कोई भी आपको फोल्डर अपनी फाइंड करनी है कोई भी डेटा पे जिस पर आप ये मैक्रो रन करेंगे वीबीए टाइप करके, उसमें आपको जो लुकअप करना होगा इसमें सर्च लिख कर ओके करेंगे तो उसका जो सैलरी रिकॉर्ड होगा
वो साथ यहां पर आ जाएगा। अब जब भी इसे रन करना है आपने क्लिक करना है, यहाँ पे जो भी नाम का रिकॉर्ड आपको चेक करना है सेकंड कॉलम का, वो आप इधर टाइप करें कैफ सैलरी 61,000, यहाँ पे देखें कैफ सैलरी 51,000। तो इस तरह मैसेज बॉक्स वी लुकअप के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके साथ हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है जी। एम्प्लॉय नेम को भी, एम्प्लॉय नेम ग्रेटर देन होगा सेट माई रेंज, तो वो जो हमने वी लुकअप में इसको कॉल कर लिया, जो एम्प्लॉय नेम था उसका मैसेज बॉक्स प्रिंट के साथ माई रेंज, माई रेंज के साथ कॉलम टू हो गया सैलरी, और उसके साथ मैसेज बॉक्स जो सैलरी होगी वो लिखी हुई इसमें प्रिंट हो रही है हमारी। और इसको हम इसी तरह रन करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। जब भी हमें इसे यूज करना होगा शेप्स में, कोई भी हम बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और साइन मैक्रो लुकअप ओके एडिट टेक्स्ट इनपुट बॉक्स अलाइन सेंटर बोल्ड वगैरह कर लें, यहाँ से इनपुट बॉक्स रन करें इसको। इनपुट बॉक्स आ गया, इनपुट बॉक्स से हमें क्या काम चाहिए, हमें शाह की सैलरी चेक करनी है, ओके करा हमने, यहाँ पर इसका रिटर्न आ गया। फिर ओके करा हमने, यहाँ पे दोबारा इसको क्लिक करा और हमने यहाँ पे कोई बगैर नाम लिखकर इंटर करा, ओके यू डिड नॉट एंटर एनी नेम, ठीक है जी। तो वी लुकअप वी भी ऐसे फाइंड करने का तरीका और इनपुट बॉक्स मैसेज प्रिंट करके लुकअप करने का डाटा हमने देखा है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अल्लाह हाफिज।